अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर खरीद से होंगे। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपके साथ अल्ट लेयर का फेज़ 3 शेयर करूँगा। उससे पहले, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि एयरड्रॉप्स के रिलेटेड सारी अपडेट्स वगैरह यहाँ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ लिंक्स वगैरह आपको सारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इनका अल्ट लेयर का फेज़ 1 और 2 भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, होप्स हो कि आपने वो भी कर लिया हो। अब चलते हैं इनके फेज़ 3 की तरफ। सबसे पहले तो आपको गोरिल्ला के ETH रिक्वायर्ड होंगे तकरीबन 0.011 करके। यहाँ सबसे पहले आपने आ जाना है टेपियो फाइनेंस के स्वैप में। यहाँ आपने जो है क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ मैं लिंक को ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ लिंक को ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह की एक वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। इसमें आपका जो है टेपियो में भी ट्रैक्शन हो जाएगी और उसके साथ ही इसका भी काम हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपने मेटामास्क ओपन करना है। मेटामास्क ओपन करने के बाद यहाँ आपने जो है गोरिल्ला नेटवर्क को सिलेक्ट कर देना है। तो सिंपल यहाँ गोरिल्ला को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ वापस आ जाते हैं और इसके बाद अब आपने यहाँ मिनिमम जो अमाउंट लिखनी है 0.011, ये आपने मिनिमम अमाउंट लिखनी है। तो अगर आपके पास डिपॉजिट वगैरह कम है तो यहाँ मैं सिंपल 0.02 लिख देता हूँ। और नीचे आपने ये जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने RETH को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ मैं RETH सिलेक्ट कर देता हूँ, 0.02 लिख देता हूँ। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ स्वैप पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपके पास मेटामास्क में एक ट्रांजेक्शन आएगी, तो इस ट्रांजेक्शन को सिंपल आपने यहाँ से कर देना है कन्फर्म। तो इस तरह से आपका ये जो है स्वैप कंप्लीट हो जाएगा, आपको RETH आपके वॉलेट में आ जाएंगे। अब सेकंड टास्क हमने क्या करना है, यहाँ आपको जो है ये ईगन लेयर पर आ जाना है। ईगन लेयर पर आपको 0.01 ETH जो है यहाँ आपने स्टेक करना है। तो सबसे पहले आपने लिंक को यहाँ पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो गया आ जाएगी। सिंपल आपने कनेक्ट टू वॉलेट पर क्लिक करके अपना मेटामास्क के साथ कनेक्ट कर देना है। तो जैसे आपका वॉलेट वगैरह यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ आपको दो पूल देखने को मिलेंगे, एक है रॉकेट पूल इथर और एक है लीडो स्टेक्ड इथर। तो इसमें से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ मैं पहला वाला चूज़ कर लेता हूँ। सिंपल आपने यहाँ मैनेज स्टेक पर क्लिक करना है। तो जैसे आप मैनेज स्टेक पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास जो भी अमाउंट वगैरह होगी यहाँ आपको शो हो जाएगी। 0.019 अभी मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ आपने 0.01 जो है इसको आपने यहाँ स्टेक करना है, 0.01 लिख देते हैं। उसके बाद सिंपल आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पहले आपके पास इस तरह से ट्रांजेक्शन आएगी, इसको आपने मैक्स करके अप्रूव कर देना है। उसके बाद आपके पास यहाँ मेटामास्क में एक ट्रांजेक्शन आएगी, इसको आपने यहाँ से कन्फर्म कर लेना है। अब आपके यहाँ जो है 0.01 RETH यहाँ आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली डिपॉजिट हो चुके हैं। अब यहाँ आपके ये स्टेक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, तो यहाँ आपको जो स्टेक अमाउंट है यहाँ आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पहले हमने कुछ टास्क वगैरह पहले किसी एयरड्रॉप में किए थे, इस वजह से मेरे पास यहाँ थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा है। तो उसके बाद यहाँ आपने क्या करना है, देन क्रिएट रीस्टेकिंग। तो आपने यहाँ ये थर्ड वाला लिंक कॉपी करना है, इस लिंक को आपने यहाँ पेस्ट कर देना है। अब जैसे आपके पास ये वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन हो के आ जाएगी, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ आपको वॉलेट कनेक्ट करना है। ऊपर टॉप पे कनेक्ट वॉलेट पर आपने क्लिक करना है, मेटामास्क आपने सिलेक्ट करना है, यहाँ अपना मेटामास्क आपने कनेक्ट कर देना है। तो जैसे मेटामास्क आप कनेक्ट कर देंगे, उसके पास ये आपके पास आ जाएगा रीस्टेकिंग ट्रायल और यहाँ कन्फर्म। तो सिंपल आपने रीस्टेकिंग ट्रायल पर टिक करना है और इसको कन्फर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ आपके पास जो भी अमाउंट वगैरह होगी यहाँ शो हो जाएगी, सिंपल आपने प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब सिर्फ यहाँ आपने चेंजिंग करनी है फर्स्ट नेम में, तो इस नेम को जस्ट आपने चेंज करना है। यहाँ आपने कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं करना, तो यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ आप नीचे इसको आपने स्क्रॉल करने, बाकी आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। उसके बाद ये आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा वैलिडेट एड्रेस, तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। आपके मेटामास्क में एक साइन की रिक्वेस्ट आएगी, तो सिंपल आपने इसको यहाँ से साइन पर टिक कर देना है। तो जैसे आप इसको साइन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ आपको क्रिएट का इसके साथ ही ऑप्शन नज़र आएगा, तो सिंपल आपने क्रिएट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ आपको कुछ इस तरह का एक एरर देखने को मिलेगा, वी आर करेंटली एक्सपीरियंसिंग हाई डेमो। तो यहाँ आपने थोड़ा सा वेट करना है और कुछ टाइम बाद आपने दोबारा से ट्राई करना है। मैं भी आपके सामने दोबारा से एक मरतबा क्रिएट कर देता हूँ।
तो अभी भी आ रहा है, तो तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट का वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपने क्रिएट पर क्लिक करना है तो आपका क्रिएट हो जाए। यहाँ से एक मरतबा फिर से मैं ट्राई कर लेता हूँ तो अभी भी वही इशू आ रहा है, तो आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो यहाँ मैं एक मरतबा फिर से क्रिएट करके चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा ऑन गोइंग। तकरीबन 5-10 मिनट तक मैंने वेट किया है, बाकी आप ऊपर टाइम नोट कर सकते हैं। तो यहाँ इसका आपके पास इस तरह से डिप्लॉइंग आएगा, तो ये अब आपका पूरा 1 घंटा लगेगा यहाँ पर इसको कंप्लीट होने के लिए। तो यहाँ आपको टाइमर वगैरह भी शो कर दिया जाएगा, तो मैं यहाँ इसको जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं शेड्यूल फॉर टर्मिनेशन इज 0 day 0 hour 59 minute, मतलब पूरा 1 घंटा आपको यहाँ लगेगा। अब 1 घंटे बाद आपके पास किस तरह से आ जाएगा ये आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनके जो है मैंने डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया है, तो यहाँ आपके इस तरह से आपके पास आ चुका है। अब नेक्स्ट आपके पास किस तरह से आएगा, ये आपका जो है डिप्लॉइंग की जगह पे एक्टिव आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर डिप्लॉइंग था, अब यहाँ आपके पास एक्टिव यहाँ आ जाएगा। तो जैसे आपके पास एक्टिव आ जाएगा उसके बाद यहाँ आपने क्या करना है, ये जो 3 डॉट हैं इस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपके पास जो ये जो शेयर का ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने ट्विटर पर इस तरह की पोस्ट जो है ट्वीट कर देनी है। तो जैसे आप ये ट्वीट कर देंगे तो आपका काम यहाँ हो जाएगा डन। अब ये करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने जो आ जाना है यहाँ पर ये गैलेक्सी वाले लिंक पर। तो यहाँ आपको टोटल 400 पॉइंट्स जो हैं क्लेम करने हैं। तो इसके लिए आपका ये जो टास्क है रीस्टैकिंग वाला, ये जैसे आपका वो एक्टिव आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी यहाँ आपने ट्विटर और डिस्कॉर्ड वगैरह पर फॉलो और रीट्वीट वगैरह करके पॉइंट्स को क्लेम कर देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।